नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x+24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, और देखिए ये द्विघात समीकरण है तो इसके तीन शून्यांक होंगे, तो माना माना इसके तीन शून्यांक क्या हैं, अल्फा बीटा तथा गामा। बहुपद पी एक्स के क्या होंगे, शून्यांक के शून्यांक हो शून्यांक हो तब तब क्या बहुपद पी एक्स बराबर दिया है, तब दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स के क्यूब माइनस 5x² माइनस में 2x+24 की तुलना समीकरण एक्स के क्यूब धन बी एक्स स्क्वायर धन सी एक्स धन डी बराबर 0 या इसी से तुलना करने पर इससे की संख्या इतना से तुलना करने पर कि तुलना इतना से करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -5, सी बराबर हो जाएगा -2 और डी बराबर हो जाएगा 24। ठीक है। और अब मान लो कि भाई शून्यांकों का गुणनफल दिया है, यानी कि शून्यांकों का संबंध हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है -b/a होता है ना, तो बराबर माइनस में बी का मान क्या है -5 बटे ए का मतलब 1 बटे ए का मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/1 होगा। अब अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा c/a, और सी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1। ठीक है, तो -2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में होता है d/a, तो -d/a यानी कि -24/a, ए का मतलब 1 यानी कि 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, रोमन में लिखेंगे। ठीक है, 3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दिया है, जब इतना निकाल लिए तो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12,
अल्फा इंटू बीटा का हुआ 12। तो ये मान जो समीकरण इसमें रख दिया था, हाँ, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से रोमन में लिखेंगे, समीकरण 3 से ये है समीकरण 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अब इसमें मान रख दें अल्फा बीटा का मान 12 रख देंगे, तो 12 गामा बराबर 24, माइनस में 24 होगा, ठीक है, माइनस में 24, ठीक है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस में 24 अब बटे 12, तो 12 दूना 24 माइनस में 2, गामा बराबर हो गया माइनस में 2। अब गामा का मान क्या रख दिया जाए समीकरण नंबर 1 में, गामा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, अभी बाद में पता चलेगा कहाँ 1 में रखा जा रहा है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, यानी कि यहाँ लिखेंगे गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, गामा का मान समीकरण 1 में, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बराबर 5 होगा ना, अरे 5 बटे 1 का मतलब 5, ठीक है। तो लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो गया, ये इधर आया तो 5 अधन 2 बराबर 7, अल्फा धन बीटा का मान हो गया 7, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात हो गया, तो हम लोग को जो तीसरा मूल ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक कंडीशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन मूल ना लिया मैंने ए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अल्फा धन बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसको हल कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, अब अल्फा धन बीटा का मान निकला है 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस में 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, तो यहाँ रख देंगे 12, ठीक। तो 7 × 7 = 49 माइनस 12 × 48 बराबर क्या हो जाएगा, 49 में 47 घटेगा तो 1, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये अल्फा माइनस बीटा, अब वर्ग इधर लाएंगे तो 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1, वो भी प्लस माइनस में, वो भी क्या होगा, प्लस माइनस में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इधर आते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या, अल्फा धन बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बी, अल्फा धन बीटा बराबर लिख ला था 7, और फिर अल्फा माइनस बीटा बराबर निकल गया 1, तो इससे हम लोग जो है क्या मान निकाल लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा ख़त्म। तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 8, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 × 8 = 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4,
ठीक, अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर 4 तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों का योग 7 है, अल्फा का मान 4 है, तो बीटा का मान 7 में से 4 घटा देंगे तो 3, तो बीटा का मान 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से एक बार माइनस लेंगे, तो अल्फा धन बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस 1 लेंगे, पहले प्लस लिया अब माइनस ले लेते हैं। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -1, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ख़त्म, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 6, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 4, बीटा बराबर 4। ठीक है, तो बीटा बराबर हो गया 4, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यांक 3, 4, -2 होंगे, अतः हम लिख देंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक, दिए गए बहुपद के शून्यांक 3, 4, -2 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, -2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं मित्रों कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और सवाल समझ में नहीं आता है तो आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यदि नए हैं तो और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।